हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल पूजा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। साइड में जो बेल आइकन होता है उसको जरूर क्लिक करना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप देख पाओ। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आप लोग सब मुझे कमेंट तो मतलब इतने प्यारे प्यारे करते हो, मुझे इतने अच्छे से मोटिवेट करते हो कि मेरा दिल खुश हो जाता है आपके कमेंट रीड करके। लेकिन मुझे लगता है आप वीडियो देखते देखते ना लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, एक लाइक आपका मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो और अच्छा काम करने का मेरा दिल करता है। मैं सोचती हूँ जब मुझे ज़्यादा लाइक मिलते हैं तो मैं मतलब आप लोग मेरे काम को पसंद करते हो, तो मैं सोचती हूँ और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करके रखना, वो मैंने पहले भी आपको बता दिया था। क्यों? क्योंकि आपको वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट लगे तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, मतलब फॉलो करके वहाँ पे वो डाउट अपना क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और मेरे सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखना, जिसका नाम है नेचुरल पूजा ब्लॉग, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नेचुरल पूजा 12। तो अब मैं बात करने वाली हूँ आज के टॉपिक पर। देखिए, आज का टॉपिक मैंने एकदम हटके एकदम अलग चुना है आप लोगों के लिए, और इस टॉपिक पर जो मैं बात करने वाली हूँ, हो सकता है आपको ये सारी जानकारी पहले से ही पता हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको आधी अधूरी जानकारी हो और जो मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ तो आपको इसकी फुल जानकारी हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है आपको मुझसे भी ज़्यादा जानकारी हो। लेकिन आपकी जो भी है, आपकी जो भी राय है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा मेरी वीडियो कौन देख रहा है। तो सबसे जो पहला मेन पॉइंट है वो ये है कि हमको मतलब टीनेज जो गर्ल्स होती है उनको किस एज में ब्रा पहनना स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए, 7 या 8 साल की जब बच्चियां होती हैं उनकी जो ब्रेस्ट होती है उस समय उनकी ब्रेस्ट ग्रोथ करती है, मतलब वो जो उनकी एज होती है 7 या 8 साल की, उस एज में जो बच्चियों की ब्रेस्ट ग्रोथ करने लगती है, तो इस उम्र में बच्चियों को ब्रा नहीं पहननी चाहिए। क्यों नहीं पहननी चाहिए? क्योंकि इस उम्र में उनको ब्रा पहनने की जरूरत पड़ती नहीं, उनकी उस समय ग्रोथ मतलब स्टार्टिंग पे होती है उनकी ब्रेस्ट की ग्रोथ, तो उस समय उनका कोई मतलब नहीं होता, साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है इसलिए। अब मैं आपसे बात करती हूँ दूसरे पॉइंट पर। देखिए, तो मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि उनको फिर किस एज में ब्रा पहननी चाहिए। तो देखिए, जब वो 14, 15 या 16 साल की एज में आ जाती हैं तब उनको ब्रा पहनना स्टार्ट कर देना चाहिए, मतलब 14 या 15 साल की एज में उनको ब्रा पहनना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? देखिए, उस समय उनकी ब्रेस्ट का आकार क्या धीरे धीरे थोड़ा सा ग्रोथ करता है, तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उनको मतलब मेंटेन करना, एक शेप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो शेप जब आप ब्रा पहन के रखोगे तभी उनको अच्छे से उसकी जो शेप है वो बरकरार रहेगी, आपका फिगर खराब नहीं होगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आपको 14 या 15 साल की उम्र में ब्रा पहनना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आप अपने फिगर को मेंटेन करना चाहती हो तो। अगर आप अपने इन अंग ऐसे होते हैं कुछ, उनको शेप में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ कि नाइट में ब्रा को पहन के सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए। देखिए, इस पर भी बहुत लेडीज़ ये बोलती हैं कि नाइट में ब्रा पहन के सोना चाहिए, बहुत लेडीज़ ये बोलती हैं कि नाइट में ब्रा पहन के नहीं सोना चाहिए, लेकिन आपकी क्या राय है तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। अब जो मेरा खुद का अनुभव है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ, मैं दोनों ही मुद्दों पे बात करूँगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ब्रा पहन के किन को सोना चाहिए। देखिए, अगर आप लोगों का जो ब्रेस्ट का आप लोगों का साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप लोगों को मैं राय दूंगी कि आप लोग ब्रा पहन के ही सोएं। क्यों? क्योंकि जब आपका ब्रेस्ट का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप कॉमन सी बात है, जिस साइड भी आप मतलब सोओगे, जिस साइड पर आप सोओगे तो आपकी जो ब्रेस्ट है वो नीचे लटकेगी। लटकने से क्या होगा, उसका जो आकार है वो भी खराब होगा, मतलब उसकी शेप भी खराब होगी, और दूसरा बात ये आपको आगे चल के फिर पेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि आपका ब्रेस्ट का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है इसलिए। तो मैं आपको राय देती हूँ कि अभी कोई भी कॉटन की हल्की फुल्की ब्रा जो कॉटन में हो, अच्छी क्वालिटी की हो, वो आप पहन के रखें, मतलब पहन के सोया करें, ठीक है। ये मेरा खुद का अनुभव है। और अब मैं बात करती हूँ कि किनको ब्रा पहन के नहीं सोना चाहिए। देखिए, अगर आपकी ब्रेस्ट का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है तो आपको ब्रा पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सो सकती हो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस साइड भी आप सोओगे जब आपकी ब्रा का ब्रेस्ट का साइज छोटा है तो वो फिर आपकी उसकी जो लटकने की प्रॉब्लम होती है वो आप बिल्कुल भी नहीं होगी। अब मैं बात करने वाली हूँ कि ब्रा पहन के सोना ज़रूरी है कि नहीं है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है, कोई नुकसान है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जो मैंने बताया, जिसका ब्रेस्ट का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको लाइफ में चल के मतलब ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसका जो साइज है, जो उसका आकार है वो खराब हो सकता है, या फिर उसको पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जिसका स्मॉल है तो उस पर उसका कोई असर पड़ेगा ही नहीं उसके अंग पर, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें।
और एक और बात आपसे बोलना चाहती हूँ, ब्रा लेते समय आप एक चीज का और ध्यान रखें। देखिए, जब आपने देखा होगा, मेरे साथ भी कई बार ये हो चुका है, जब मैं ब्रा लेने मार्केट में गई हूँ तो जो इस नंबर की मुझे ब्रा आती है, नंबर वही होता है, लेकिन उसके बाद भी वो ब्रा हमें फिट नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम सिर्फ जो हमारी ध्यान होता है वो नंबर पर ही जाता है, और उसके जो सेप होती है उस पर बिल्कुल जाता ही नहीं है, कि उसका जो ब्रा का आकार बना हुआ है, किस साइज से वो बनी हुई है, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो आप जब भी ब्रा खरीदते हो तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, उसका जो आगे का साइड होता है आप उसको जरूर चेक किया करें, क्योंकि उसे देखने से आपको आइडिया लग जाता है कि आपको ये फिट आएगी कि नहीं आएगी। तो नंबर भी देखें आप, उस चीज़ को भी देखें, ठीक है। और एक और जानकारी आप लोगों को जो देना चाहती हूँ मैं, अगर आप एक माँ हो और आपकी बेटी 7-8 साल की है या फिर उससे ऊपर जा रही है या फिर होने वाली है, तो आप भी अपनी बेटी को टाइम से पहले ही इन सारी बातों की जानकारी जरूर दें, क्योंकि एक बेटी के लिए माँ से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आपसे बेटर अपनी आपकी बेटी को कोई नहीं समझा सकता इन चीज़ों के बारे में। एक जो माँ होती है वो ही सारी जानकारी दे सकती है। और आजकल का जो टाइम है ना, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बहुत ही एडवांस टाइम है आजकल का। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप एक माँ हो और आपकी बेटी इस उम्र पे है या इस उम्र पे बढ़ने वाली है, क्योंकि बच्चियाँ होती हैं वो शर्माती है, क्योंकि जब हमारा स्कूल टाइम था, जो हमारे साथ भी ये सब था, मतलब सबके साथ स्टार्टिंग होती है, तो हम भी बहुत ज़्यादा नर्वस रहते थे और हम भी अपनी माँ से कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते थे, मतलब कुछ बात करने से पहले ही हमें शर्म आ जाती थी कि बात करें कि नहीं करें, लेकिन वो टाइम अलग था। अब जो टाइम है ये बहुत अलग है और एकदम चेंज हो चुका है। तो आप एकदम फ्रेंड बनकर अपनी बेटी के साथ सारी बातें शेयर करें। आप खुद सोचिए, जब अक्षय कुमार इतने सुपरस्टार हैं, वो पीरियड के लिए फिल्म बना सकते हैं, तो क्या आप अपनी बेटी से खुल के बात नहीं कर सकती? तो आपसे बढ़कर आपकी बेटी के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मतलब सबसे बड़े गुरु आप ही हो अपनी बेटी के लिए। तो अपने टाइम से पहले अपनी बेटी को ये सारी जानकारी जरूर दें। अगर आपको ऐसा लगे कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। ऐसी वीडियो के साथ फिर मैं मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।